ऑल राइट, माय नेम इज रितेश, रितेश दहिया, और नेक्स्ट हम इसके बाद चालू करने वाले हैं ग्राफ थ्योरी। नाउ एज इज ग्राफ थ्योरी का आपका डायरेक्ट ग्राफ थ्योरी पे कोई सवाल नहीं आता है, लेकिन अक्सर ये देखा गया है कि नीट के स्टूडेंट जो ग्राफ को लेके थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं कभी कभी। और अभी अगले सेशन में आप 15-20 मिनट आधे घंटे में जितनी तरह के ग्राफ हैं आपके सिलेबस में वो एक बार यहाँ पे बात कर लेते हैं, ठीक है। सो जो टाइप्स ऑफ ग्राफ अपने सिलेबस में हैं वो ग्राफ हैं आपके स्ट्रेट लाइन, पैराबोला, इलिप्टिकल, सर्कुलर, हाइपरबोला, एक्सपोनेंशियल, ये सारे ग्राफ एक एक करके यहाँ पे हम कवर करते हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट, सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे स्ट्रेट लाइन की, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन जो आपका ग्राफ है वो किस तरह के आपके ग्राफ होते हैं, लेट्स टॉक अबाउट दैट। तो स्ट्रेट लाइन के जो ग्राफ है उसका हमेशा नेचर होगा वाई इज इक्वल टू एम एक्स, ये आपका इसका नेचर होगा, ठीक है। सो इसका मतलब ये है कि अगर हम एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे प्लॉट करें, सो ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है, और ये आपका ग्राफ कुछ इस तरह से जाएगा। तो एक्स की आप वैल्यू यहाँ रखते चले जाएंगे, करस्पॉन्डिंग आपको यहाँ पे वाई की वैल्यू मिलेगी। ये जो एंगल है इस एंगल को हम थीटा एंगल बोलते हैं, और यहाँ पे जो इसका स्लोप है उसको हम कहते हैं टेन थीटा विल बी इक्वल टू एम, ये आपका स्लोप कहलाता है, ठीक है। और इस केस में हम पॉजिटिव स्लोप की बात कर रहे हैं, तो ये आपका पॉजिटिव स्लोप है। पॉजिटिव स्लोप का मतलब हो गया कि आपके वाई और एक्स की दोनों की वैल्यू या तो पॉजिटिव पॉजिटिव है, या फिर अगर इस तरफ चले जाएंगे ये आपका थीटा एंगल यहाँ से आएगा, और ये वाई और एक्स की वैल्यू लेंगे, ये दोनों की वैल्यू नेगेटिव नेगेटिव है। और टेन थीटा को हमेशा हम y बाय x डिफाइन करेंगे, अगर हम एक्सिस अपना x एक्सिस से अपने हॉरिजॉन्टल एक्सिस से एंगल ले रहे हैं तो y बाय x आएगा, अगर वर्टिकल एक्सिस से लेते ये वाला एंगल हम डिफाइन करते तो x बाय y आएगा। वर्टिकल एक्सिस से आपके सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ जब हम रेन मैन प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं उस केस में छाते का एंगल वर्टिकल से लेते हैं, अदरवाइज पूरी फिजिक्स में एंगल आपको हॉरिजॉन्टल से लिया जाता है, ठीक है। सो ये आपका स्लोप है y बाय एक्स, इसको हम यहाँ पे लिखते हैं, ये आपका y इज इक्वल टू एम एक्स होएगा। नाउ अब अगर इसकी बात करें, आप मुझसे पूछेंगे सर ये हमें कहाँ देखने को मिलेगा अपने फिजिक्स में, ये आपको y इज इक्वल टू एम एक्स का वेरिएशन देखने को मिलेगा f इज इक्वल टू एम ए में। तो अगर m आपका कांस्टेंट है, f और a के बीच में अगर आप ग्राफ बनाएंगे तो आपको y इज इक्वल टू एम एक्स का फॉर्मेट देखने को मिलेगा। दूसरा इसका एग्जाम्पल हो सकता है p इज इक्वल टू एम वी, v और p का जो ग्राफ बनेगा वो आपका अगेंस्ट स्ट्रेट लाइन आएगा आपका पॉजिटिव स्लोप के साथ। तो ये आपके कुछ एग्जांपल हो गए। यहाँ पे एक और नेक्स्ट चीज़ होती है, इसी को हम कहते हैं इक्वेशन का फॉर्मेट अगर है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। आपने क्या किया इसमें एम एक्स जो था उसमें एक सी ऐड कर दिया, इसको हम इंटरसेप्ट नाम देते हैं, हमने एक पॉजिटिव इंटरसेप्ट यहाँ पर ऐड किया है। उस केस में आपका जो ग्राफ का नेचर है ये आपका एक्स एक्सिस ये y एक्सिस, आपका ग्राफ जो है उसका स्लोप तो अभी भी m ही है लेकिन आपका ग्राफ c से ऊपर उठ जाएगा। तो अगर ये ओरिजिन से आपका ग्राफ ऐसे पास हो रहा था, c ऐड करने के बाद ये ऐसे ऊपर उठ जाएगा, ठीक है। इसका एग्जांपल आपको देखने को मिलेगा v इज इक्वल टू ए टी प्लस u, थोड़ा सा मैंने रीराइट करके लिखा है इसको। तो अगर आप v और t का अगर ग्राफ बनाएंगे तो आपको इसी फॉर्मेट का v इज इक्वल टू ये वाला ग्राफ मिलेगा, जहाँ पे ये आपका पॉजिटिव इंटरसेप्ट है, जो भी इनिशियल वेलोसिटी है उससे आपकी फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू ऊपर उठ गई। u अगर जीरो होगा तो v इज इक्वल टू ए टी, अगेन y इज इक्वल टू एम एक्स का फॉर्मेट आएगा। नाउ यही अगर आपका नेगेटिव इंटरसेप्ट हो जाए, तो अगर हम यहाँ पे कहें कि मान लीजिए आपकी इक्वेशन है वाई इज इक्वल टू एम एक्स माइनस सी, नाउ इफ दैट इज द केस, उस केस में क्योंकि इंटरसेप्ट अभी नेगेटिव हो गया है तो आपकी इक्वेशन कुछ ऐसे दिखेगी, ये आपकी माइनस सी से ग्राफ नीचे हो जाएगा। तो ये आपका ओरिजिन से पारा वाई इज इक्वल टू एम एक्स था, प्लस सी करके ऊपर चला गया, माइनस सी करके नीचे आ जाएगा, दैट्स इट। सिर्फ और सिर्फ इतना फर्क पड़ेगा इस पैटर्न को, आई होप ये बात आपको समझ में आई, इसको ध्यान रखना। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं सेकेंड टाइम ऑफ स्ट्रेट लाइन ग्राफ जो होंगे वो आपके ग्राफ होते हैं जहाँ पे आपकी इक्वेशन होगी y इज इक्वल टू माइनस एम एक्स। नाउ इस केस में आपकी y इज इक्वल टू माइनस एम एक्स का जो ग्राफ है वो कुछ ऐसा होगा कि ये आपका x एक्सिस है, ये आपका y एक्सिस है, और अगर इसको हम यहाँ प्लॉट करेंगे तो ये जो ग्राफ बनेगा वो नेगेटिव स्लोप के साथ ऐसे जाएगा, ये आपका होएगा। तो इस केस में ये एंगल हम कहते हैं आपका थीटा एंगल है, एक्चुअली तो ये एंगल होता है 180 माइनस थीटा। तो इसका जो स्लोप है, स्लोप m, उसको आप लिखेंगे टेन थीटा, वो माइनस वाई बाय एक्स आएगा। तो अगर नोटिस करेंगे तो इस केस में अगर आप ये एंगल ले रहे हैं तो या तो इस डायरेक्शन में लेंगे तो वाई पॉजिटिव और एक्स नेगेटिव है, इस डायरेक्शन में अगर थीटा की बात करेंगे तो यहाँ पे आपका
एक्स आपका पॉजिटिव है लेकिन वाई नेगेटिव है, स्लोप की वैल्यू माइनस वाई बाय एक्स ही आपकी वैल्यू आएगी। इसका एग्जांपल आपको देखने को मिलता है स्प्रिंग फोर्स जो आता है वाई इज इक्वल टू एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स वाला जो फॉर्म है। तो एफ और एक्स का अगर आप ग्राफ बनाएंगे वो आपको इस तरह का ग्राफ देखने को मिलेगा, उसमें नेगेटिव आपका स्लोप है। इसी की अगर बात करें प्लस सी और माइनस सी ऐड कर देंगे तो वाई इज इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी अगर हो गया तो इसका जो ग्राफ है, क्योंकि ये इंटरसेप्ट आपका पॉजिटिव है और ये ग्राफ आपका ऐसे था जीरो से पास हो रहा था, प्लस सी कर दिया तो बस ये ऊपर उठ जाएगा, ठीक है। तो कोई खास इससे वो नहीं आएगा, स्लोप वही रहेगा और ये आपका सी की वैल्यू आ जाएगी। सिमिलरली अगर ये वैल्यू नेगेटिव होती तो ये ग्राफ ऐसे आ जाता, ठीक है। ये वाले ग्राफ आपको देखने को मिलेंगे आपकी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जब हम ये बात करते हैं, ये इनफैक्ट वो ऐसे वाला ग्राफ है फोटो इलेक्ट्रिक ग्राफ की जब बात करते हैं तो ये ग्राफ आएगा, उसके बाद हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में करेंगे, ठीक है। आई होप ये स्ट्रेट लाइन के ग्राफ आपको समझ में आए। नाउ मूविंग फॉरवर्ड अब बात करते हैं आपके पैराबोलिक ग्राफ की, ठीक है। सो ये पैराबोलिक ग्राफ जो है आपके, उनका जो फॉर्मेट होता है वो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का फॉर्मेट होगा, यानी कि y की पावर 1 और x की पावर 2, या फिर अच्छा यहाँ पे कोई कांस्टेंट भी हो सकता है, वी आर नॉट वरीड अबाउट दैट कांस्टेंट राइट नाउ, या फिर इक्वेशन हो सकती है x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, ये आपकी फॉर्मेट हो जाएगी। तो x की पावर 1 y की पावर 2 या फिर y की पावर 1 x की पावर 2, इफ दैट इज द केस, अगर आपका ऐसा केस है तो जिसकी पावर 1 है उसके अबाउट सिमेट्री होगी। इसका मतलब यह है कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अगर हम प्लॉट करेंगे तो आपका ऐसे आए ये पैराबोला बनेगा। तो ये आपका y एक्सिस है और ये आपका x एक्सिस है, ये आपका पैराबोला बनेगा। टिपिकली इसकी इक्वेशन y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर होगी, ठीक है। ये फॉर्मेट हमें देखने को मिलता है, अपने अगर इसके फिजिक्स का एग्जाम्पल की बात करेंगे तो ये एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेगा, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। तो अगर आप वी और के बीच में प्लॉट करेंगे ग्राफ तो वो आपको ऐसा पैराबोला दिखेगा। ये इक्वेशन, ये ग्राफ आपको एस एच एम में देखने को मिलता है, तो हम इसको वहाँ प्लॉट करते हैं जब स्प्रिंग की बात करते हैं उसका पैराबोलिक या पेंडुलम की बात करते हैं और हम कहते हैं कैसे कैसे वेरी कर रहा है, वो आपका ऐसे वेरी करेगा, ठीक है। सिमिलरली हालांकि इसकी बहुत ज़्यादा बात होती नहीं अपने सिलेबस में बट कवर कर लेते हैं, अगर आपका ये पैटर्न है तो ये पैटर्न आपको ऐसे देखने को मिलेगा जहाँ पे y है और ये x है, सिमेट्री आपकी क्योंकि x की पावर 1 है आपको ऐसे देखने को मिलेगी ना। इसको क्लास में तो हम जब रेगुलर कोर्स करते हैं तो इसको तो क्लास में पूरी टेबल बना के हम वैल्यूज वो करते हैं, पर अभी आपको इसके परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट टाइप ऑफ ग्राफ इसमें जो आता है उसको हम लिखते हैं y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर। नाउ इस केस में x की पावर 2 है, y की पावर 1 है, तो सिमेट्री तो आपकी y के अबाउट ही होगी, लेकिन ये इन्वर्टेड पैराबोला हो जाएगा। ये पैराबोला आपका कुछ इस प्रकार दिखेगा। सो ये आपका y एक्सिस है, ये आपका x एक्सिस है। तो इस बार पैराबोला है तो सिमेट्री y के अबाउट पर, क्योंकि नेगेटिव साइन है इसलिए इन्वर्टेड पैराबोला हो जाएगा। ये एग्जाम्पल अपने को देखने को मिलता है पोटेंशियल एनर्जी को जब हम लिखते हैं हाफ के एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका माइनस आ गया तो उस वजह से इन्वर्टेड पैराबोला हो जाएगा। सो दिस इज आर पैराबोलिक वेरिएशन। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, इसके बाद बात करते हैं इलिप्टिकल ग्राफ की। ये ग्राफ आपको कई बार परेशान करते हैं जब हम ग्रेविटेशन का चैप्टर पढ़ते हैं, ठीक है। सो इलिप्टिकल अगर आपका ग्राफ है तो उसका पैटर्न टिपिकली होता है एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये आपका वेरिएशन होगा। नोटिस करना है यहाँ पे x और y की दोनों ही पावर 2 हैं और आपके दोनों ये ऐड हो रहे हैं। सो इफ दिस इज द केस, ये अगर वेरिएशन है तो ये आपको ऐसे इलिप्टिकल ग्राफ देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये आपका y एक्सिस है, ये आपका x एक्सिस है और ये आपका ग्राफ है। नाउ इस वाली वैल्यू को हम कहते हैं ये आपका सेमी मेजर एक्सिस कहलाता है, और ये जो वैल्यू है जहाँ से जहाँ तक ये आपकी जीरो से यहाँ तक वैल्यू जो जा रही है इसको आप सेमी माइनर एक्सिस कहते हैं। अगेन डिपेंड करेगा कौन सा ज़्यादा है। तो टिपिकली हम एक्स को ज़्यादा अगर माने तो सेमी मेजर एक्सिस, ये आपका मेजर एक्सिस हो गया, ये माइनर एक्सिस हो गया। ये ज़्यादा है तो मेजर और ये माइनर हो जाएगा, वो फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये आपका इलिप्टिकल ग्राफ है। ये सेम ग्राफ आपको एस एच एम में भी देखने पड़ेंगे। वी और आपका ए के बीच वेरिएशन जो आता है वो आपका इलिप्टिकल वेरिएशन है, ठीक है। तो अगर दोनों की पावर 2 है और दोनों ऐसे ऐड हो रहे हैं, ये वेरिएशन आपका इलिप्टिकल वेरिएशन कहलाएगा। नाउ इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे सर्कुलर वेरिएशन की। सर्कल इज नथिंग बट अ फॉर्म ऑफ इलिप्स जहाँ पे ए और बी दोनों बराबर हो जाएं। तो मान लीजिए ए और बी दोनों बराबर हो जाएं, इन दोनों को हम यहाँ पे ले आएं, तो अपना जो वेरिएशन दिखेगा वो कुछ ऐसा दिखेगा। हम उसको ऐसे कह सकते हैं, दिस विल बी फॉर्मेट हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए और बी, हम कह लें मान लीजिए ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू आर।
सो इसको आप आर स्क्वायर कह सकते हैं। नाउ दिस इज इक्वेशन ऑफ सर्कल। सो ये अगर सर्कल की इक्वेशन है और ए और बी दोनों बराबर हो गए, तो जो आपका एलिप्स था जिसका ये मेजर एक्सिस था ये माइनर एक्सिस था, मेजर माइनर एक्सिस दोनों अगर बराबर हो गए तो ये आपका सर्कल बन जाता है। ठीक है, तो ये आपका सर्कुलर मोशन की ये वैल्यू हो गई, ये आपका ए और ये आपका बी दोनों बराबर, इसकी वैल्यू आर हो जाएगी। और ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है, पार्टिकल आपका ऐसे गोल गोल घूमेगा और हर वक्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर को फॉलो करेगा। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना, ये आपका सर्कुलर मोशन हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं आपके हाइपरबोलास की। ठीक है, सो हाइपरबोलिक वेरिएशन की जब हम बात करेंगे, सो हाइपरबोलिक वेरिएशन जो है उसकी कंडीशन ये होती है x टू द पावर 1 y टू द पावर 1 इज इक्वल टू सम कांस्टेंट, राइट, या फिर x इसको ऐसे भी लिखते हैं इस प्रोपोर्शनल टू, या इसको ऐसे करते हैं, है ना, इसको ऐसे लिख लो, y इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाय x, अगर ये है इसको हम कहते हैं पैराबोलिक वेरिएशन। इसके और वैरायटी ऐसा होता है, हमने कहा y इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाय x स्क्वायर, या फिर y इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाय x क्यूब, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ये सारे वेरिएशन आपके पैराबोलिक वेरिएशन कहलाते हैं, इन सबको हम पैराबोला कहते हैं। इसकी अगर आप शेप देखेंगे तो इसकी शेप कुछ ऐसे देखने को मिलेगी कि ये आपका x एक्सिस, ये आपका y एक्सिस, और ये आपका ऐसे वेरी करता है। ठीक है, सो ये आपका ये हाइपरबोलिक वेरिएशन हो गया ना। और इसकी ज़रूरत हमें पड़ती है जब हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड वो प्रोपोर्शनल हो गई 1 बाय आर स्क्वायर के, पोटेंशियल जो है वो 1 बाय आर के प्रोपोर्शनल होता है, मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोपोर्शनल टू 1 बाय आर स्क्वायर के होती है, या फिर अगर हम थर्मोडाइनमिक्स के चैप्टर में चले जाएं तो थर्मोडाइनमिक्स में हम कहते हैं कि अगर आपका पी वी इज इक्वल टू एन आर टी और आपका टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है, आइसोथर्मल प्रोसेस है, तो उस केस में हम कहते हैं पी इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाय वी हो गया। सो इसका जो पी वी ग्राफ बनेगा आइसोथर्मल प्रोसेस का, वो आपका ये ग्राफ बनता है। तो ये आपका P है, ये आपका V है, और ये क्योंकि 1 बाय आर 1 बाय वी से वेरी कर रहा है तो ये आपका हाइपरबॉलिक वेरिएशन हो गया। सिमिलरली अगर आप एडियाबेटिक या उसमें वो चले जाएँ या टू दी पावर या गामा आ जाता है, इफ दैट इज द केस, वो ग्राफ भी आपका हाइपरबोला ही कहलाता है, वो वेरिएशन भी आपका हाइपरबॉलिक वेरिएशन ही होएगा। तो आपका प्रोसेस पॉलीट्रॉपिक या एडियाबेटिक है उस केस में ये ग्राफ आपका फिर हाइपरबॉलिक ही रहेगा। इन सबको फैमिली ऑफ हाइपरबोलास कहते हैं हम लोग। ठीक है, आई होप ये चीज़ आपको पैराबोला के बारे में समझ में आई। नेक्स्ट मूविंग फॉरवर्ड, लेट्स टॉक अबाउट एक्सपोनेंशियल वेरिएशन। सो जब हम यहाँ पे एक्सपोनेंशियल वेरिएशन कहते हैं तो यहाँ पे हम कहते हैं कि y इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस ए एक्स, ये आपका एक्सपोनेंशियल कोई चीज़ डीके कर रही है, या फिर आपका y इज इक्वल टू ई टू द पावर ए एक्स, ये वाला हम कहते हैं एक्सपोनेंशियली राइज कर रहा है। ये दोनों ग्राफ आपको देखने को मिलेंगे जब हम करेंगे आर सी सर्किट की बात या फिर एल आर सर्किट की बात, कैपेसिटेंस के चैप्टर में और इंडक्टेंस के चैप्टर में, और ये आपको देखने को मिलेगा ग्राफ रेडियो एक्टिविटी के चैप्टर में। सो जैसे फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं करंट I इज इक्वल टू आई नॉट ए टू दी पावर माइनस टी बाय आर सी, मैं कुछ टी आपका टाइम है, मैं कुछ यहाँ पे डेटा रख के ऐसे ग्राफ बना रहा हूँ, तो इसका मतलब ये है कि आपका आई जो है सर्किट में, आई जो है वो आपका ये टाइम एक्सिस है, ये आपका आई है, उस केस में आपकी इनिशियल वैल्यू आई नॉट थी, वहाँ से इनिशियल टी इज इक्वल टू जीरो रखेंगे तो इसकी वैल्यू वन हो गई, तो आपकी इनिशियल वैल्यू आई नॉट थी और उसके बाद अब ये वैल्यू आपकी ऐसे एक्सपोनेंशियली डीके कर रही है। इसी को अगर हम एक्सपोनेंशियल राइज की बात करते हैं तो हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल राइज जीरो से लेके ऐसे गया और इनफाइनाइट टाइम में जाके आपकी मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी। यहाँ पे अगर आप इनफाइनाइट रख देंगे इसकी वैल्यू, अगर इनफाइनाइट टाइम रख देंगे प्लस अगर ये होएगा तो आपका इनफाइनाइट एक सर्टेन वैल्यू पर जाके ये वैल्यू फिक्स हो जाएगी। जो एक्सपोनेंशियल डीके है ये आपके एक्सपोनेंशियल एक्सपोनेंशियल डीके है और ये राइज है आपका। ठीक है, सो आई होप ये ग्राफ्स आपको समझ में आए, इनके फिजिक्स में ज़रूरत पड़ती है और आई थिंक अपने सिलेबस के लिए, अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए ये सारे तरह के ग्राफ आपके नॉलेज होनी चाहिए। एक और ग्राफ है, लेट मी कवर वन मोर ग्राफ हियर विच इज़ कॉल्ड साइनसोइडल ग्राफ। ठीक है, सो हालांकि बात आपको पता होएगा ही बट एक बार साइन ग्राफ जो है उनको कवर कर लेते हैं फटाफट। ठीक है, तो साइन ग्राफ की हम यहाँ बात कर रहे हैं, साइनसोइडल ग्राफ है उसको हम कहते हैं कि वाई इज इक्वल टू लेट से साइन ओमेगा टी, ये आपका ग्राफ है, तो y और t के बीच आपका वेरिएशन है जो आप देखना चाहते हैं। सो साइनसोइडल ग्राफ आपका कुछ ऐसा बनेगा कि ये आपका साइनसोइडल ग्राफ है, ये आपका y एक्सिस है, ये आपका टाइम एक्सिस है।
ये आपका टाइम एक्सेस हो गया, तो वाई और ये ऐसे वेरी करेगा। अगर यही आपका वेरिएशन, कलर चेंज करता हूँ मैं, अगर यही आपका वेरिएशन वाई इज इक्वल टू लेट से ए कॉस कॉस ओमेगा टी से वेरी कर रहा है, उस केस में जो आपका वेरिएशन होएगा, कॉस का ग्राफ आपको पता है ये ऐसे वेरी करता है, तो ये आपका वाई हो गया एक्सेस और ये आपका टाइम एक्सेस हो गया। यहाँ से ए से आपने स्टार्ट किया है, ये ऐसे वेरिएशन आएगा। नाउ इसी केस में अगर आपका ग्राफ हो, कई बार स्टूडेंट इस पे कंफ्यूज हो जाते हैं, हालांकि एस एच एम के चैप्टर में इसको हम कवर करेंगे, पर यहाँ भी मैं कवर कर लेता हूँ। वाई इज इक्वल टू लेट से ए साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई नॉट, यहाँ पे आपका इनिशियल कोई वैल्यू है, इस केस में सिर्फ ओमेगा और टी ओमेगा टी थे, अगर फाई नॉट ऐड हो गया है इसका मतलब है कि आपका ग्राफ प्लस माइनस फाई नॉट के हिसाब से या तो आगे सरक जाएगा या थोड़ा सा पीछे हो जाएगा। नोटिस करेंगे यही साइनसोइडल का ग्राफ आपका ऐसे है, ये ऐसे 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 ग्राफ कर रहा है। नाउ अगर आपका फाई नॉट ऐड हुआ है तो उसका मतलब वो आपका ग्राफ जो आपने टी इज इक्वल टू जीरो पे देखना चालू किया, तो उसकी वैल्यू टी अगर जीरो रख दें तो ए साइन फाई नॉट है। ए साइन फाई नॉट होने का मतलब है कि आपका जो ग्राफ है उसकी इनिशियली कुछ वैल्यू थी, तो इसका मतलब वो ग्राफ आपका ऐसे चालू हो रहा है, ये साइनसोइडल वेरिएशन है और ये ग्राफ ऐसे ऐसे अभी पीछे की तरफ है, तो आपकी ये इनिशियल वैल्यू थी और ये टाइम है और ये जो वैल्यू आएगी ये ठीक है, ये साइन फाई नॉट के बेसिस पे आएगी। ठीक है, आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई। तो अगर फाई नॉट प्लस है या माइनस है उस हिसाब से ग्राफ आपका आगे या ग्राफ आपका पीछे हो जाएगा। अगर ये नेगेटिव वैल्यू होती तो यहाँ बना लेते हैं, यहाँ कर लेते हैं, तो उस केस में हो सकता है ग्राफ आपका ऐसे ऐसे चालू हो रहा होता कि ग्राफ ऐसे आता है। तो वैल्यू आपकी पॉजिटिव भी हो सकती है, इनिशियल वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है। आई होप ये ग्राफ्स आपको समझ में आए। चलो आगे बात करते हैं इसमें ग्राफ थ्योरी में। आपका स्लोप और एरिया, अगर कोई आपको ग्राफ दे रखा है वेरिएशन, तो उसका स्लोप और एरिया क्या रिप्रेजेंट करता है और उसके ऊपर कुछ सैंपल सवाल करते हैं। नाउ स्लोप और एरिया की जब हम बात करते हैं तो सिर्फ फॉर एग्जांपल अपना एक ग्राफ बनाया हुआ है, सो लेट अस से वीटी ग्राफ बना हुआ है अपने को, ठीक है, ये वेलोसिटी और टाइम ऐसे वेरी कर रहा है आपका, ठीक है, ये वीटी ग्राफ है और लेट अस से आपका ऐसे ऐसे वेरी कर रहा है। तो ये आपका यहाँ से जीरो से स्टार्ट हुआ, टाइम जीरो, वेलोसिटी जीरो थी और ऐसे ऐसे करके वेरी किया, मान लो ये अपना सिनेरियो है। उस केस में हम बात करते हैं, हम ये कहते हैं जो स्लोप आप कहीं पे भी ड्रॉ करेंगे, इधर 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 इधर, ये जो स्लोप होएगा, सो वो जो स्लोप है, राइट, ये स्लोप वो रिप्रेजेंट करता है, वीटी ग्राफ का स्लोप रिप्रेजेंट करेगा वी डिवाइडेड बाय टी, और ये आपकी एक्सेलरेशन का फिगर आ जाएगा। तो अगर v और t को आप वो देखेंगे तो इसको डिवाइड करेंगे तो एक्सेलरेशन बन जाता है। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे एरिया की बात करें, सो एरिया हो जाएगा ये एरिया, मान लो यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच में हम ये एरिया अंडर द कर्व की बात करते हैं, तो उस केस में एरिया जो होएगा वो रिप्रेजेंट करेगा वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय टाइम, और ये एक्चुअली आपका डिस्प्लेसमेंट बन जाएगा। ठीक है, सो इस चीज़ को ध्यान रखना। सिमिलरली अगर आपका एस टी ग्राफ है, एस और टी को अगर आप डिवाइड करेंगे तो स्लोप वेलोसिटी दे देगा, ए टी ग्राफ है उसका एरिया अंडर कर्व वेलोसिटी ले देगा। तो कभी भी स्लोप की बात हो, या आपको मैं शॉर्ट में सिखा रहा हूँ, कभी भी स्लोप की बात हो तो ये ध्यान रखना उन दोनों चीज़ों को डिवाइड करके क्या आता है, एरिया की बात हो तो ये देखना उन दोनों को मल्टीप्लाई करके किस इक्वेशन में और कब कौन सी चीज़ हम वहाँ यूज़ करते हैं। तो ये बहुत क्लियरली आपको स्लोप और एरिया के सवाल सिर्फ इस आइडेंटिफिकेशन से समझ में आ जाएंगे और आपको इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, सो कुछ सवाल प्रैक्टिस करते हैं यहाँ पे। सो से फॉर एग्जांपल इफ यू मूव फॉरवर्ड, एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि गिवन एट इफ एट टी इज इक्वल टू जीरो इनिशियल वेलोसिटी यू इज 5 मीटर पर सेकेंड। सो इनिशियल वेलोसिटी अपनी टी इज इक्वल टू जीरो पे 5 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है, कॉमा देन फाइंड वेलोसिटी एट टी इज इक्वल टू 10 सेकेंड फॉर द गिवन वेरिएशन ऑफ ए टी। यह आपको ए और टी का वेरिएशन दे रखा है, हमें बताना है इससे वेलोसिटी एट 10 सेकेंड पे क्या होगी। इनिशियल वेलोसिटी यू जो है वो अपने को यहाँ 5 दी हुई है और वी बताना है क्या होगा। नाउ इस केस में अगर हम यहाँ पे क्योंकि अब यहाँ पे बता रहा है फाइनल वेलोसिटी होगी, ए टी का ग्राफ दे रखा है। नाउ ए और टी को जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आपने को देता है एरिया जो है वो रिप्रेजेंट करेगा आपका इंटीग्रेशन ऑफ ए टी, ये आपका रिप्रेजेंट करेगा वी माइनस यू, चेंज इन वेलोसिटी जो है वो आपका ए टी का ग्राफ देगा। तो इसका मतलब ये है कि वी माइनस यू विल बी इक्वल टू एरिया
और इसका एरिया देखेंगे तो ये 5 हो गया, 10 हो गया, सो दिस विल बी इक्वल टू 5 मल्टीप्लाइड बाय 10, यानी कि v जो है आपका जो हमें बताना है माइनस इनिशियल वेलोसिटी इज 5 विल बी इक्वल टू 50, यानी कि आपकी फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी 55 मीटर पर सेकेंड, सो दैट विल बी आर फाइनल आंसर 55 मीटर पर सेकेंड। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई। चलो अब अगला सवाल करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन सेज आपके नीट के एग्जाम का पूछा सवाल है, 2008 में सवाल पूछा गया है। क्वेश्चन कहता है पार्टिकल शोज डिस्टेंस टाइम कर्व एज गिवन इन द फिगर, मैक्सिमम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हमें बताना है, द मैक्सिमम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज अराउंड द पॉइंट, ऑप्शन है हमारे ए बी सी डी, ये चार पॉइंट्स हमें बताना है। नाउ यहाँ पे क्योंकि अपने को डिस्टेंस टाइम वेरिएशन दे रखा है, स्पीड जो है आपकी वो आएगा स्लोप ऑफ आपका एसटी ग्राफ, एसटी ग्राफ का स्लोप रिप्रेजेंट करेगा कि आपकी स्पीड क्या होगी। नाउ इस ग्राफ को अगर गौर से देखें तो ए पॉइंट पे ये इसका स्लोप लेंगे, बी पॉइंट पे ये स्लोप लेंगे, सी पॉइंट पे ये स्लोप है, डी पॉइंट पे ये स्लोप है। नाउ स्लोप जो है वो हाईएस्ट अपने को दिख रहा है सी पॉइंट पे, तो इसका मतलब है इंस्टेंटेनियस स्पीड जो आपकी सी पॉइंट पे सबसे ज्यादा होगी, हेंस ऑप्शन नंबर डी वुड बी आर राइट आंसर। चलो अगला सवाल, सवाल कुछ इस प्रकार है, क्वेश्चन सेज इफ एट टी इज इक्वल टू 0 यू इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड, तो अपने को इनिशियल वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड दी हुई है। यहाँ पे सवाल है फाइंड आउट इट्स मैक्सिमम वेलोसिटी फॉर द गिवन वेरिएशन ऑफ एटी, हमें बताना है मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी होगी। नाउ एटी वेरिएशन है, इसका जो एरिया है एटी वेरिएशन जो उसका एरिया जे का मेंस में पूछा हुआ सवाल है, एरिया आपको देगा वी माइनस यू। सो यहाँ पे अगर एरिया की बात करेंगे सो विच मीन्स वी माइनस यू विल बी इक्वल टू एरिया। अब इस ट्राइंगल के एरिया की अगर हम बात करेंगे तो ट्राइंगल का एरिया हो जाएगा हाफ मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 10 और ये एक्चुअली 25 आ जाएगा, विच मीन्स वी की वैल्यू है वो आ जाएगी यू को उधर ले जाए, सो दैट इज 2 प्लस 25 यानी कि 27 मीटर पर सेकेंड। सो ये अपना फाइनल वेलोसिटी एट दिस लोकेशन हो जाएगी। अब इसमें एक चीज ध्यान रखना कि आपका ये कंटिन्यूस एक्सेलरेटेड मोशन है तो वेलोसिटी में वेरिएशन आपका होता रहेगा, एक्सेलरेशन कम हो रहा है लेकिन स्टिल इट इज अ पॉजिटिव वैल्यू, तो आपकी ये फाइनल वेलोसिटी आ जाएगी।